So we're all set to go. It's 5:30 in the morning. Nishit is ready. Shakti apni editing kar raha hai. Packing ho gayi sari? Sabki packing ho chuki hai. Sabke bag pade hain yahan pe. Cab bus aane wali hai and we're going to airport. Let's go. We're getting late. 8 baje ki flight hai and it's already 6. हमारी एक्चुअल में जर्नी स्टार्ट होने वाली है. हाउ यू? सो ही इज़ माय फ्रेंड शशि. ही इज़ जॉइनिंग मी फॉर द ट्रिप एंड ही विल बी टेकिंग फोटोज ऑन द वे. तो वी जस्ट लैंडेड इन कोयम्बटूर. यहाँ से हमारा एक्चुअल ट्रिप स्टार्ट हो रहा है. केरला का कोयम्बटूर से स्टार्ट हो रहा है, तिरुवनंतपुरम में एंड होगा. आज हमारा प्लान है कि कोयम्बटूर से यहाँ से जाके रस्ते में कहीं तो मुन्नार से थोड़ा सा पहले हमारा होटल है, तो बस वहाँ तक जाना है आज. And we are waiting for our car. So this entire trip is going to be a road trip. तो इस road trip को पूरा करने के लिए हमने अपनी रैव कार बुक की है. एक्चुअली क्या है कि कभी आप नई जोशन नई लोकेशन पर जाते हो तो वहाँ पर हमेशा आपको कैब बुक करने की कार बुक करने की दिक्कत रहती है, बट नॉट विद द रैव. आई थिंक इट्स द बेस्ट सोल्यूशन बिकॉज आपकी डोर स्टेप पर आती है. जैसे हम यहाँ पर एयरपोर्ट पर बुलाए तो एयरपोर्ट पर आ गई. हम यहाँ से खुद ड्राइव करके लेके जाएंगे इसको और आप किसी भी लोकेशन पर जाके इसको ड्रॉप कर सकते हो, वहाँ से नई कार ले सकते हो. सो इफ़ यू नो बुक योर ट्रिप, try out Rev. I'll mention the link in the description, you can go through it, and I also have a promo code as well, so try it out. यार क्या सही गाड़ी दी है यार, इतनी मक्खन गाड़ी है ना, मतलब लिटरली इतनी फील आ रही है इसको चलाने में. अभी तो मैं जेन्युइनली पूरी ट्रिप पे चलाने को रेडी हूँ यार. क्या बात है. यू नो जब हमने ये वाली कार ली थी ना, हमने दो कार ली थी रैव कार, क्योंकि हम चार लोग थे, हमारा बहुत ज़्यादा लगेज था. बट थोड़ी देर दूर चलाने के बाद हमें लगा यार दो कार में मज़ा नहीं आ रहा, लग रहा कोऑर्डिनेशन करना पड़ रहा है, यू नो रोड ट्रिप नहीं हो पा रही एकदम. तो हमने एक कार वापस कर दी और अब हम एक ही कार में चारों जा रहे हैं और बदल बदल के चलाएंगे. और यार रैव वाले लोग बहुत सही हैं यार, पता है हमें जैसे बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं टैक्स. हाँ सीरियसली दे आर लिटरली हेल्पिंग अस आउट रियली वेल. मतलब वो बंदा साथ में जा रहा है हमारे, अभी 30 किलोमीटर दूर है वो जगह और वो उसी कार में जा रहा है. हाँ जो हमने ली थी और वहाँ से हमें वो टैक्स का जो भी है जो भी एक कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लेना है, क्योंकि हम लोग केरला में एंटर करेंगे. तो हमें अभी एक डैम दिखा है पीछे बहुत मस्त, बट रास्ता नहीं पता चल पा रहा है कहाँ से. उसका नाम क्या भाई डैम का? W-A-L-A. क्या नाम है बोल के दिखाई? W-A-L-A भाई है यार. नहीं पूरा नाम वैसे बोलते ना वाला यार और वल यार, मतलब अभी देखो ये यही लग रही है भाई, यहीं से ले लो अंदर भाई. ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है व्हीकल, जान इधर पार्क करते हैं. हाँ यहाँ खड़ी करते हैं. हाँ सही है. अभी रुके हैं इस लोकेशन पे, पीछे डैम दिख रहा होगा आपको. खैर हमें भी डैम नहीं दिख रहा है क्योंकि डैम थोड़ा उस साइड है और अंदर जाने की कोई जगह दिख नहीं रही है. हम अभी यहाँ पे स्टेट टैक्स देने के लिए रुके थे तो बताया किसी ने कि यहाँ पे आसपास एक डैम है, मस्त जगह घूम के आओ, बट साला अंदर जाने की कोई जगह ही नहीं दिख रही है. तो अब क्या करें, बताओ कैसे जाएँ? यू नो कैसे जाना राइट? लेट्स फ्लाई ड्रोन. भैया देखो ये क्या जगह है, क्या डोप जगह है ये, आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या जगह है ये, सही है, शॉट है, मतलब चारों तरफ एकदम. ये कैसे कैसे, आई लाइक इट, आई लाइक दिस प्लेस. बाकी अभी ऊपर से देखते हैं कैसा लगता है. हाँ वही ना, हमने सोचा यहाँ से डैम से उस साइड जाएंगे. भाई डैम का नाम बताइए क्या है? वालायार. वालायार W-A-L-A-Y-A-R. वालायार डैम.
तो अभी हम तीनों लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास तीन ड्रोन हैं एक साथ पड़े हुए, 1 2 3, हम तीनों एक साथ फ्लाई करने वाले हैं, तीनों क्रेजी है ड्रोन के लिए, बहुत मज़ा आएगा एक साथ तीनों उड़ा के, चलो मज़ा आएगा। Hello. So this is the hotel Gopalpuram. We're gonna stay here till 4 and then we'll go out because it's really hot. Room ke darshan karate. Sorry. So this is the room. These are two humans. सो अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर आराम करेंगे क्योंकि बहुत पूरी गर्मी के कारण हम थक चुके हैं। लाइट तो फ्लिकर करती ही रहेगी। अब देखो डेली व्लॉगिंग एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात, जैसे अभी 2 से 4 हमारे पास टाइम है तो हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, आराम नहीं करेंगे, हम इसको यूटिलाइज करेंगे, जो कि सुबह से शाम तक अभी तक जो हमारा रिकॉर्ड हुआ है ट्राई करेंगे ख़त्म कर दे, उसके बाद फिर शाम को निकलेंगे, फिर रात को एडिट करेंगे, ऐसे करना पड़ता है, ऐसे होता है मतलब। ओके हम रेडी हो चुके हैं, टाइम बच चुके हैं 4, फुली मोटिवेटेड, मौसम अभी बहुत अच्छा हो चुका है, देख एकदम बादलों वाला, और हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधा मलमपुहाजा डैम जो कि यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है। लेट्स गो देयर। तो मौसम कैसा हो गया, दोपहर में कितनी गर्मी थी और इस टाइम पे आहा। So, अब हम पहुंचे हैं मलमपुहाजा पे और बारिश शुरू हो चुकी है, मजा आ गया डूड, ये वेदर ने तो कमाल कर दिया पूरा यार, गर्मी देखने के बाद में मतलब कुछ ऐसा है मौसम तो पता नहीं भाई साहब, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ ऑसम हो जाता है एकदम। चलते हैं पूछ के आते हैं, ये झूला तो आज हम बैठ के ही जाएंगे। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, कैमरा अंदर करो, कैमरा अंदर अंदर रहो। लिटरली यहाँ पे फंस गए हैं, लाइक यू कैन सी यहाँ पे आगे ग्लास है, ये देखो यहाँ पे इससे ज्यादा कैमरा जा नहीं पा रहा है, ये थोड़ा वाइड एंगल है तो इसमें आई गेस हम दोनों आ पा रहे होंगे, ऊपर ले ले आ जाएगा दोनों, हाँ बस ऐसे आएंगे दोनों, या आई थिंक हम दोनों विजिबल होंगे बट यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है, बट पता नहीं अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है, नीचे से हवा आ रही है एकदम से। कैमरा मैन ना कहीं से जुगाड़ निकाल ही लेते, ये देखो ये हमारे दोस्त साहब बाहर निकल के एकदम रिकॉर्ड करते हैं, वाह वाह सर। और नीचे देखो आप ऐसे ठंडी हवाएं आ रही नीचे से ऊपर। ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है अभी, नाउ टाइम टू गो बैक एंड एडिट द वीडियो and put it out on YouTube tomorrow.